इस्माही, दूसरी जानिब जिन्होंने हमको दावत पेश की हमारे मौलवी जाहिद खान साहब कहला और दीगर हमारे धनघटा के तमाम भाई, हमारे हुसाम भाई, मुस्लिम बाबा कहाँ आए हो है माशाल्लाह, ये सब हमारे बड़े मुहिब हैं, बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके उमर में खैर बरकत फरमाए। बड़े अच्छे अंदाज में हमारे हाफिज क़ारी सद्दाम हुसैन साहब कबला ने आपको कलाम सुनाया और लाइक मुबारक बात है हमारे गांव के वो हजरात जिन जिन लोगों ने इसमें मेहनत मशक्कत के साथ हिस्सा लिया और सबसे ज्यादा मुबारक बात के लायक है जिन्होंने अपना ये जमीन मदरसे के लिए वक्फ किया। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे, जब तक ये मदरसा बाकी रहेगा, एक एक ईंट बाकी रहेगी, उनको भी सवाब मिलेगा और उनके आने वाली नस्लें जो दुनिया से जाएंगी उनको भी सवाब। सुभानअल्लाह। ये ऐसा दरख्त है ये कि इस दरख्त को लगाने के बाद जो फल इससे निकलेंगे पूरी दुनिया में फैल जाएंगे, हर लोग इसको चखेंगे और सब मजा हासिल करेंगे। दुआ है कि अल्लाह इस मदरसे को मंजिल तक, मंजिल मकसूद तक पहुंचाए और इस मदरसे को कामयाब और कामरान बनाए। हजरत बस थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर आया हूँ, आइए एक आले रसूल स्टेज पर तशरीफ फरमा है और दूसरे इंशाल्लाह बस चंद ही लम्हों के बाद आने वाले हैं, आप उनका इंतजार करें, इंशाल्लाह उनके चेहरे की जियारत करेंगे और अपने नेकियों में इजाफा करेंगे। बस कलामे आला हजरत का कुछ शेर मैं पढ़ता हूँ, उससे पहले दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वअला आलि मुहम्मद। हेलो 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 दे दीजिए थोड़ा सा दूध पा के बार सुना दीजिए। अल्लाहुम्म सल्ली अला हमारे हजरत अल्लाह मौलाना कौसर रजा साहब कुलान सुभाही ने बड़ी अच्छी तकरीर पेश की और मैं सोचता हूँ कलाम आला हजरत के बाद बहुत से पाक के चरण महकमत पेश करूँ, लेकिन पहले कलाम हजरत सुनिए। इसे
मकाम देखो, मेरे नबी का मर्तबा देखो, आला हजरत क्या फरमाते हैं। जिसका मंदिर तशरीफ तस्वीर करने वाले ने इस तरह से किया है, क्या शान है इज्जत का जाह हशमत मरतबा उनसे कटगा सुभान अल्लाह। वापस से बोलो भैया, लाओ शान है इज्जत का जाह हशमत मरतबा उनसे मोती हीरे जवाहर से है भन के तर की खार, मोती हीरे जवाहर से है भन के तर की खार, नूर का चश्मा पहाड़ जब वो थे आगोश्त पार, नूर का चश्मा पहाड़ जब वो थे सजाई जाती है जिस घर में महफिल को से आज़म के
कम है कोई नियर होट हो यो आप लोग यकीन होता है वो शिखर नबी को अपने जैसा वो कभी भी कह नहीं सकता, नबी को अपने जैसा वो कभी भी कह नहीं सकता, जिसे भी याद जिसे है याद मुर्दों को जिलाना मुझे आपने बोला तो जगह जगह क्यों बोल रहे हो?
भाई पढ़ने दो हमको, वरना बुलाना ही नहीं चाहिए था। इतनी देर बाद मुझे मौका दिए हैं, ऐसी बात है यार। चलिए ठीक है, मैं जानता हूँ कि उससे ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ तो फायदा क्या है। बस चलते चलते मैं, जैसे कि हमारे मुसलमान भाई ने बड़ा अच्छा काम किया है इनके जिंदाबादी के लिए, मुबारकबादी के लिए पेश कर दूँ, ताकि इनका हौसला बुलंद हो जाए, उस पर रुख्सत होता हूँ।